टिहरी के नरेंद्र नगर इंटर कॉलेज के खेल मैदान में 20वीं राज्य स्तरीय बालिका खो खो क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने सरस्वती के चित्र का अनावरण कर खेल ध्वजारोहण व प्रतिभागियों छात्र छात्राओं को शपथ दिलाने के साथ खो खो क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खो खो प्रतियोगिता का आयोजन अंडर 14, 17 व 19 तीन आयु वर्ग में किया गया। तीनों आयु वर्ग की इस प्रतियोगिता में अंडर 14 में 5, अंडर 17 में 6, अंडर 19 में 5 टीमें सहित कुल 16 टीमें खेल में हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता लीग मैच और नॉकआउट के आधार पर आयोजित की जा रही है। अंडर 14 के शुरुआती मैचों में देहरादून ने पौड़ी को, नैनीताल ने टिहरी और उधम सिंह नगर ने पौड़ी को पराजित कर ये शुरुआत की है। वहीं अंडर 19 आयु वर्ग प्रतियोगिता में देहरादून ने अल्मोड़ा और पौड़ी ने टिहरी को तथा देहरादून ने नैनीताल को पराजित करके अपने नाम शुरुआती मैच जीत लिया है। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। खो खो प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में 16 टीमों ने प्रतिभाग किया है जो कि पूरे राज्य से आ रखे हैं और आगे भी ये बच्चे नेशनल स्तर पर भी अच्छा प्रतिभाग करेंगे, ये सोच के अब आगे क्या है, बड़े उत्साह से बड़े अनुशासित ढंग से सभी प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं।